डिनर में अब हम सारा अकबर खूबसूरत अलग अलग अकबर के साथ है। इससे पूछे इन्हें कैसा लगता है यहाँ पे अलग है लोगों के सामने पाकिस्तान स्पेशली, और स्पेशली बात यह है यहाँ पे जस्ट पाकिस्तान ही नहीं इंडिया के लोग भी बड़े शौक से इन्हें देखने आते हैं। इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है हमेशा, मज़ा आता है क्योंकि अच्छा इस लाइट हमारे लेकर आए हैं किसी के साथ और इन्जॉय करें। बर्फ़ बहुत पड़ रही है क्योंकि भी पाकिस्तानी आ रहे हैं और इसी चीज़ की खुशी है कि अपने कल्चर को प्रमोट करके अपने ड्रामा को देखना ड्रामा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा ड्रामा लेकर चीज़ों की कमी है वो है फैमिली सिस्टम। हम लकीली हैं बहुत सारी हैं जिनके हाँ मतलब फैमिली सिस्टम को बहुत अहमियत दी जाती है और मतलब इसी बेस पर हम ड्रामा लेकर आए हैं। थैंक यू यूके वाली, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया और आपके चेहरों का बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं बुस्मेरा, हम ईस्ट हैम टाउन हॉल में ड्रामा देख रहे हैं चालू मकरूह और हम काशिफ महमूद साहब से बात करेंगे कि वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ आते हुए कैसे लग रहे हैं। पाकिस्तान ड्रामा भी करते रहे हैं बहुत सारे ड्रामा देखे हैं और काफ़ी फेमस अदाकार है स्टेज के। चलिए हम सबसे हमेशा बहुत मैं यहाँ पे आके और खासतौर पे जो ड्रामा के टेलीफोन के ड्रामा रकम साहब को भी हमेशा बहुत ही प्रोफेशनल वे से वो ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिलता है। लास्ट टाइम इन लोगों ने जुबैर ने बॉस्टन स्टो में जो ऑर्गेनाइज किया था वो भी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया था और हमेशा यूके आके कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम घर से बाहर हैं, हमेशा ऐसी और हमेशा आगे हमें बहुत इंजॉय किया है क्योंकि आर्टिस्ट को जब रिस्पांस मिलता है मोहब्बत मिलती है, मेरा ख्याल है वही उसकी ऑक्सीजन होती है और यूके वाले ये ऑक्सीजन बहुत अच्छे तरीके से फराहम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे ये बात काशिफ की बहुत अच्छी लगी कि इन्हें इंग्लैंड में ड्रामा करके भी पाकिस्तान की दूरी का एहसास नहीं होता, इन्हें बहुत मोहब्बत। थैंक यू, बहुत बड़े अदाकार, जानी पहचानी शख्सियत, हर दिल को मोह लेने वाले नसीम विक्की से पूछते हैं उन्हें यहाँ आके कैसा लग रहा है अपने स्पेशली इतनी दूर प्रदेश में आके इन्हें ड्रामा करना कैसा लग रहा है। यहाँ आके हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि जो अपने दूर रहते हैं उनकी याद ज़्यादा आती है और जगह दुनिया में कहीं भी आप हों अपने घर पे हों तो काम तो आप करते हैं, जब किसी अपने खास को मिलने का जी चाहता तो उसके पास जाने के लिए तो यहाँ पर जब भी आते हैं यही सोच के आते हैं कि जो अपने दूर हैं उनके साथ जाने मिला जाए, उनके साथ खुशियाँ बांटी जाए, एक ड्रामा तैयार करते हैं और उसी के बहाने यहाँ पर आ जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। जी बहुत अच्छी बात है, देखें हम लोगों भी आपके लिए बहुत मोहब्बत रखते हैं, इतनी दूर से जब आप लोग आते हैं हमें भी अपनी पाकिस्तान की याद आती है, आप लोगों को देखें हम लोग सब लोग जो देखते हैं जो करते हैं सबको खुशी होती है और आप ये कोई अच्छा पैगाम देना चाहेंगे यहाँ पर। मेरा पैगाम जो होता है वो हमेशा एक ही होता है, वो मैं जब भी कभी कहता हूँ कि जहाँ भी रहें लोग खुश रहें लेकिन हमेशा अपने असल को याद रखें, हमेशा वही कमें कामयाब होती है जो अपने असल को याद रखें। देखिए तासरात तो हमेशा उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जो अपने होते हैं और प्यार करने वाले होते हैं और स्पेशली जो पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पर अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं अपने काम को मतलब हमारा जब हम लोग स्ट्रगल करते थे वहाँ पर लाहौर में तो हमारा शुरू का साथी है तो यहाँ उसने बड़ी तरक्की की है, यहाँ पर आकर उसने यूके फिल्म टेलीफिल्म का जो सिलसिला शुरू किया एक प्रोडक्शन शुरू की है बहुत अच्छी की है और मेरी दुआ है और तजर्बा भी है कि इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब होगा और एक वक्त आएगा जब यूके में ये बहुत बड़ा प्रमोटर होगा और इसकी कंपनी जो बहुत ज़्यादा राइज करेगा। थैंक यू वेरी मच।